हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी रैकवाल ब्लॉग पे स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट मैं दिन के 2:30 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सुबह मैंने नाश्ता बनाया, नहाया, कपड़े धोए, शानवी की मालिश, शानवी के कपड़े, हर्षु ने नहाया, हर्षु के कपड़े, बहुत कुछ काम हो गया था। झाड़ू पोछा और पापा लोग के लिए खेत में चाय भेजी, तो बहुत काम हो गया था। और अभी मैंने अपने बाल हाल भी नहीं बनाए, तो मुझे बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला है। अब मुझे, मैंने गाय गाय को घास भी डाल के आना था, तो मैं गाय को घास वास तो डाल के आ गई हूँ। तो अभी भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बर्तन धोने हैं दिन के, और उसके बाद कपड़े उठाने, छत से बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़ों की पट्टी करनी है। फिर दिन धूप ही चली जाती है, क्योंकि शाम के 3:45 तक की छत में धूप रहती है। अभी तक छत में शानवी और हर्षु धूप सेक रहे। हर्षु को तो बहुत तेज़ धूप लगी थी, मैं नहीं रह रही कहती। मैंने कहा रह यार, क्योंकि आज मैं घर में अकेली हूँ ना। भैया भी चाय देने गया है, और सुबह भैया अपने बाल कटवाने गया था नाई के यहाँ, तो मम्मी गई है हल्द्वानी, इसलिए मेरे साथ बहुत सारा काम हो गया। मैं मतलब सुबह से मैं ही काम कर रही हूँ। पापा गए हैं खेत में, मजदूर लगे हैं मजदूरों को देखने। तो आप बने रहिए मेरी इस ब्लॉग में, देखते हैं आगे वो क्या होता है। छत में थोड़ी देर के लिए शानवी रो रही थी, और मुझे बाल भी बनाने हैं। हर्षु मेरे बाल बना रही है, तो देखिए हर्षु मेरे बाल ना। अच्छा, ये है हर्षु, आरकश के बाल भी उड़े। बाल बना रही है, देखिए अब देखते हैं कैसे बाल बनाती है। अभी चुटिया दिखाई की आपको, या तो अच्छा ही बनाएगी या फिर पिक्कारी कर देगी। जो बनाती हूँ ठीक है, तो आप बने रहिए, अभी दिखाऊंगी जब चुटिया बन जाएगी आपको। चुटिया बना दिया, देख सकते हैं आप। हर्षु इसने नहाया, लेकिन सुबह से बाल तो बनाया इसने, लेकिन इसके बाल फिर से वो हो गए। ये दोबारा बाल बना रही। अब मैं जाती हूँ छत पे शानवी के कपड़े उठाने। हवा इतनी तेज़ चली कि छत कपड़ों का तार ही टूट गया। कपड़े उठाने छत पे, कुछ कपड़े तो गीले हैं उनको रख दूँगी, शानवी वाले कपड़े सूखे हैं उन्हें उठाने जाती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। इसमें आ चुकी छत पर, हमारी छत पर तो धूप जा चुकी है, इसलिए मैं कपड़े उठाने आ गई हूँ। लेकिन नीचे वाली छत पर धूप है, शानवी अभी वही है। जब नीचे वाली छत पर धूप चली जाएगी, तो शानवी को मैं अंदर ले आऊँगी। फिर मुझे बहुत सब्जी काटनी है शाम के लिए, देखते हैं सब्जी क्या बनाते हैं। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड, ये है शानवी के कपड़े, हर्षु के कपड़े बाहर कुर्सी में है, पापा लोग के भी कुर्सी में है। तो अब मैं शानवी के कपड़े रखती हूँ, तो बने रहिए आप मेरे साथ। फ्रेंड, हर्षु और मुझे तो लगी भूख, शायद भैया को भी लगी होगी। देखते हैं खाने को क्या है, अगर नहीं होगा तो मैगी बनाएंगे, क्योंकि सुबह तो मैंने रोटी बनाई नहीं, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगा सुबह से रोटी बनाने का, इसलिए मैगी मैगी या कुछ और देखते हैं, बिस्किट विस्किट। तो देखते हैं क्या होता है, मैगी बनाते हैं या फिर बिस्किट खाते हैं या फिर कुछ और है। तो फ्रेंड, बिस्किट विस्किट तो कुछ है नहीं, एक पैकेट था वो पापा लोग के लिए भेज दिया था। अब तो मुझे मैगी बनानी पड़ती है, क्योंकि भूख तो लगी है, पेट भूख तो मिटानी है, तो मैगी बनाते। तब तक मैं मैगी बनाती, तब तक आप बने रहिए, मिलते हैं मैगी बना के आपको। तो गाइस, मैगी बन के रेडी हो चुकी है, अब हम खाते हैं। शाम के बज चुके हैं 5, मैंने जला दी आग, भैया फोन में लगे हैं, हर्षु वो खड़ी है, पता नहीं क्या हो गया उसको। और इवनिंग व्यू देख सकते हैं आप शाम का। चाची में चैन लगा रही है। अच्छा, चैन लगा रही जैकेट की, लग गई। अच्छा, वो जैकेट जैकेट की चैन लगा रही थी, लग गई, खुल गई, फिर खुल फिर खुल गई। तो लगा दी। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।